सत श्री अकाल दोस्तों, अज आप गल करांगे IELTS या IELTS या व्हाटएवर जो तुसी प्रोनाउंस करते हो उस बारे। तो मैं अज अपना परसनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं अपनी IELTS वो क्लीयर करी, तो मेरा लेवल की सी जदों मैं IELTS की प्रिपरेशन शुरू करी। तो कमेंटा के जरूर दस्यो थोनू केड़ा मॉड्यूल सब तो ज़्यादा औखा लगता गा, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो कर दें शुरू। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं मेरे इंग्लिश के लेवल तो। जेकर मैं अपनी गल करा तो जो मैं प्रिपरेशन शुरू करी सी उदो मेरा 100 के आलमोस्ट 2% ही लेवल सी इंग्लिश के। बट मैं शुरू तो स्टार्टिंग जो करी सी उदो मैं सब तो पहला ग्रैमर के उत्ते मैन फोकस करिया सीगा, बिकॉज यह अपनी नीव होंदी है तो अपन इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पैंदा गा। दैन मैं हौली हौली जिहड़े न्यू वर्ड्स सीगे हौली हौली यूज़ करता रहा, उन्होंने सीखता रहा, इदा इदा करके मैं जिहड़ी आपां वोकैब कह दिंदे आ उहदी नॉलेज हुई। तो मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं छड़ी, प्रैक्टिस मैं दिन रात करता रहा, तो करके मेरा लेवल सीगा जो हौली हौली अप हुंदा गया। तुसीं इदां ना सोचिया करो भी मैनूं कुछ आउंदा नहीं गा, ठीक है, तो आप जो प्रैक्टिस करांगे तो सब कुछ होगा। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन डू नथिंग। तो मैं जी गल करा अपने IELTS स्कोर की, तो मेरे ईच 6 ने, रीडिंग 6.5 बैंड्स ने। तुम आप सोच सकते हो कि एक 0 लेवल का बंदा 6 बैंड लिया सकता, तो असी भी लिया सकते हैं। करना की है, तुम सिर्फ अपनी जिहड़ी वीकनेसिस ने उन्होंने उत्ते काम करना, किहड़े मॉड्यूल दे विच तुसी वीक हो या किहड़ी चीज़ आ, जिवें रीडिंग दे विच ट्रू फॉल्स हो गए या फीलिंग द ब्लैंक्स हो गए, भी किहड़ी चीज़ अपनी वीक आ उन्होंने उत्ते काम करना। तुसी ये नहीं सोचना भी मैं 8 बैंड लियाऊंगा 9 बैंड लियाऊंगा, तुसी एक अपना टारगेट रखो भी मैं इन्ने क अचीव करने हैं, मेरी इन्नी क रिक्वायरमेंट आ। देखो जे थोड़े 7 बैंड आ गए थोड़ी तां भी फाइल लगनी है, जे थोड़े 6 ईच आ गए थोड़ी तां भी फाइल लगनी है, पर एक थोड़ा एक टारगेट होंदा गा। जेकर तुसी एक टारगेट सैट कर लैंदे हो तो सब तो वधिया चीज़ उही हुंदी है, क्योंकि आपां उस दे अकॉर्डिंग चलदे हां। आपां टारगेट भी अपने लेवल दे अकॉर्डिंग ही सैट करना, इदां ना होवे कि अपना लेवल होवे 5.5 दा, आपां कहीए वी 8.5 लिआउंगा 9.5 पर 9.5 लिआउंगा, ठीक है, उदां नहीं, वी 9 बैंडां दा ही हुंदा गा वैसे तां इह, ठीक है, पर आप टारगेट यो रखना कि अपने लेवल नाल भी मैच करे, जिमें कि थोड़ा 5.5 आ तो 6.5 या फिर 7 बैंड तक की तुम जी प्रैपरेशन वो करो, जिद कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो डेली तो तुम ए नहीं करना गा भी ठीक आ जा बड़े पढ़ ले लिया बस उन्होंने काम देता आ गए करे बस वो कर लिया। देखो थोड़ा सिर्फ आही 2 महीने ने, जो तुम तो लाओ तो 2 महीने की सारा कुछ हैगा ये, तो वधिया प्रिपरेशन आपां नूं करनी पैंदी है, दिन रात एक करना पैंदा गा। IELTS एक पढ़ाई नहीं गी, एक लैंगुएज आ, आपां नूं लैंगुएज नूं लैंगुएज की तरह ही सीखना चाहिए गा। तो आपां नूं आलमोस्ट 2-3 मंथ के यानी कि वधिया प्रिपरेशन करिए तो आपां इहनूं क्लीयर कर सकते हैं। जिमें कि अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ग्रैमर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ फंडा ही ग्रैमर का हैगा, तो ग्रैमर जिन्हें तक नहीं आती गी उन्हें तक आप जावान कुछ भी नहीं कर सकते आप इंग्लिश के। सब तो पहला मेक श्योर कि तुम ग्रैमर के बहुत वधिया गए ता जो थोड़ा अगे जा के प्रॉब्लम्स ना आए। ये ग्रैमर हैगी है, ये थोड़ू रीडिंग के भी हेल्प करूगी, राइटिंग दे विच भी हेल्प करूगी, जब तुसी लिसन करोगे उदों भी तुहानू हेल्प करूगी, ते स्पीकिंग वेले तो हेल्प करूगी करूगी। सो ग्रैमर च थोड़ा जिहा ध्यान दो, जिन्हां दी ग्रैमर वीक आ उह ग्रैमर दे उत्ते पहला वर्क करो, क्योंकि जो ग्रैमर आ उह इंग्लिश लैंगुएज दी नींव आ, ठीक है, जिन्हें तक आपां नींव नहीं स्ट्रोंग कर देंगे उन्हें तक आपां उपला मकान कदे भी नहीं बना सकते। तो ग्रैमर ते बहुत ज़्यादा ध्यान दो ताकि थोनों अगे जाके हेल्प हो सके। तो दोस्तों गल करते हैं औखे मॉड्यूल बारे, कि मॉड्यूल IELTS के औखा होगा।
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਕ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀ ਇੱਕ ਬੈਨ ਦਾ ਜੋ ਸਕੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਕਰੀਜ ਕਰਿਆ ਬਾਏ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਮਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਈਲੈਸ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਡੋਂਟ ਫਰਗੈਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਜਸ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ